रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो थे उनका मैकेनिज्म देखा था। एडिशन रिएक्शंस, इसमें दो किस्म के रिएक्शंस हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए थे। एक आपके बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस थे जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है बेस कैटलाइज्ड, और एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस थे। बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है कि वो सबस्ट्रेट के कार्बन को जाके हिट करता है। और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस में हमने देखा था कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और इस वीक न्यूक्लियोफाइल को हम इसका रिएक्शन एनहेंस कराने के लिए हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। आज का लेक्चर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ठीक है, इन पर्टिकुलर इसमें हम कोई खास बेस उस तरीके से यूज नहीं कर रहे, बट दिस NaCN वुड एक्ट एज अ बेस हियर। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है इन जनरल, और इसके अंदर अगर आप HCN डाल रहे हो तो लेट अस सी के क्या होता है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये CN जो होगा ये क्या करेगा, ये जाके अटैक करेगा। अगर मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये CN जाके अटैक करेगा कार्बन को और नीचे आके अटैच हो जाएगा कार्बन के CN, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ एक HR तक आके अटैच हो जाएगा और यूं एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा यूं ही होता है। हाइड्रोजन साइनाइड जब भी रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आपका जाके इसके साथ और साइनो ग्रुप जाके इसके साथ अटैक करता है इसको। ठीक है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, पार्शियल डेफिनेटली, इट्स नॉट अ आयनिक बॉन्ड, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया है जिसमें आप देखो कि एक साइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड जिसमें साइनो और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों लगे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन्स। ठीक है, साइनोहाइड्रीन्स, सो दिस वुड देन बिकम अ साइनोहाइड्रीन। जो भी आपने सबसे स्टार्ट में एल्डिहाइड या कीटोन लिया था उसके नाम के साथ आप फिर साइनोहाइड्रीन लिख देते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम बात करते हैं एथेनल की। एथेनल के लिए आपने देखा था इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था कि देयर इज अ कार्बोनाइल बॉन्ड एंड सिंस ये एक एल्डिहाइड है तो एक तरफ तो H लगा हुआ होगा और दूसरी तरफ एक CH3 लगा हुआ होता। ठीक है, CH3, ये आपके पास CH3COH एसिटल्डिहाइड या एथेनल है। इसके अंदर अगर आप HCN डाल दो, ठीक है, तो क्या होता है कि वेरी सिंपल, ये C डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके एक O के साथ जाके H अटैच हो जाएगा और C के साथ नीचे CN अटैच हो जाएगा। एक तरफ इसके H ही लगा रहेगा और दूसरी तरफ CH3 ही लगा रहेगा। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे ये एक साइनोहाइड्रीन है। इसका पूरा ये क्या चीज थी, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और ये जो आपको चीज बनी है हम इसको नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, बिकॉज इट्स अ साइनो ग्रुप एंड एक हाइड्रो ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम इसको एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीजों के रिएक्शन करवा के आप किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन का रिएक्शन करवा सकते हो, एल्डिहाइड या कीटोन का, और आप करस्पॉन्डिंगली एक साइनोहाइड्रीन जनरेट करा देते हो। इस रिएक्शन के अंदर हम लोग जो कैटलिस्ट के तौर पे चीज यूज करते हैं वो क्या चीज है, हम सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड। ठीक है, और साथ में हम इसके HCl यूज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो फिर एसिड कैटलाइज्ड हो गया ना, ये बेस कैटलाइज्ड तो ना हुआ। इनफैक्ट ये एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन नहीं है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। लेट मी टेल यू ये है क्या, NaCN जो कि सोडियम साइनाइड है, इसको जब आप रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ तो क्या होता है कि सिंपली आपके पास एक इस तरह का रिएक्शन हो जाता है जो कि एक सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जनरेट कर देगा और साथ
HCN प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और ये HCN भी आप समझ लो कि इस फॉर्म में जनरेट होते हैं कि ये साइनो आइंस आपके पास जनरेट होते हैं और साथ आपके पास प्रोटॉन्स जनरेट होते हैं। तो ये जो साइनो जनरेट हुआ है ना, इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आगे फिर रिएक्शन करवाता है, ठीक है। साइनो जो है ये आगे फिर रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। तो ओवरऑल इसमें भी एक तरह से वही हो रहा है, इसमें आपको खास बेस उस तरीके से नहीं डाल रहे कि आपके पास एक एच और न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड होते हैं और मैंने आपको समझाया था कि एक बेस डलती है वो इसको वाटर बना देती है, इसमें एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा, बट ओवरऑल आप अगर समझने की कोशिश करो कुछ वैसा ही हो रहा है। आपके पास साइनोआइंस जनरेट हो रहे हैं बट इस रिएक्शन के थ्रू, तो आप इनके कम्बिनेशन से साइनोआइंस जनरेट कराते हो जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर जाता है। अब हम एक कीटोन का रिएक्शन भी देख लेते हैं। लेट अस टेक एसीटोन, बल्कि एथाइल मेथाइल कीटोन, एथाइल मेथाइल कीटोन। यू नो एथाइल मेथाइल कीटोन देखने में कैसा होता है, देयर इज सी डबल बॉन्ड ओ, इसके एक तरफ एथाइल ग्रुप लगा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री और इसके दूसरी तरफ मेथाइल ग्रुप लगा हुआ सी एच थ्री, और इसके अंदर अगर आप यही एच सी एन डालो, एच सी एन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड एच सी एल, जो कि अगेन साइनो ग्रुप जो है इन एक्सेस जनरेट करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि साइनो ग्रुप जो है डेफिनेटली आके सी के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा और इस ओ के साथ आके एच आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि अगेन एक साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब इस साइनोहाइड्रिन को आप क्या नाम दोगे, अब यूं तो नाम देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इथाइल मिथाइल कीटोन साइनोहाइड्रिन, वैसे देने को तो आप यूं दे सकते हो, पर चूंकि साइनोहाइड्रिन बजाते खुद एक जनरल नाम है, ये जनरल नाम है, अगर आप इसको आईयूपीएसी के सिस्टम के मुताबिक नाम देना चाहो तो फिर इसका वही रूल्स होंगे जो अभी तक आपने पढ़े थे। ये एक अल्कोहल है जिसके ऊपर एक साइनो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, लेट अस डू दिस। हम देखते हैं कि इस कंपाउंड का नाम टेक्निकली क्या होना चाहिए। अब ये जो अभी हमने फाइनली बनाया है, चार कार्बन है एक लाइन के ऊपर, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक OH अटैच्ड है और यहाँ पे नीचे एक CN ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। OH ग्रुप की प्रायोरिटी मैंने एक दफा आपको पहले भी बताया था ज्यादा होती है दूसरों की निस्बत, तो आप कहोगे कि ये ओवरऑल एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल को आप नाम कैसे दोगे, ब्यूटेनोल, क्योंकि इसमें चार कार्बन हैं तो ब्यूटा ग्रुप हो गया और ब्यूटेनोल, ये OL आपको बता रहा है कि ये एक अल्कोहल है, ठीक है। ब्यूटेनोल हो गया, ब्यूटेन से आपने ब्यूटेनोल कर दिया उसको, और फिर आप पीछे इसकी लोकेशन बताते हो टू ब्यूटेनोल, बिकॉज ये वन टू लोकेशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एंड यू नो कि टू ही लोकेशन के ऊपर एक साइनो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो आप इसको यूं लिखोगे टू साइनो टू ब्यूटेनोल। इट्स आईयूपीएसी नेम इज दिस एंड इट्स जनरल नेम इज साइनोहाइड्रिन, इट्स अ टाइप ऑफ साइनोहाइड्रिन जो कि एथाइल मेथाइल कीटोन से जनरेट करवाया है आपने, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी और एल्डिहाइड या कीटोन लें तो सिमिलर रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन को आगे हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। इस रिएक्शन की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आपने ये तो देख लिया कि आपके पास एक कार्बन साइड पे, लाइक अभी हमने एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया था तो उसमें एक इस तरह का प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है। इसमें आप देखोगे बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है, ये एक एच यू आपके पास प्रोडक्ट बन गया था ऊपर जब आपने एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने जब एसिटल्डिहाइड लिया था ना तो वो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये चीज थी। इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, टू, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो जब साइनो ग्रुप अटैच हो गया इस वाले कार्बन के साथ तो अब कितने कार्बन एटम्स हैं, थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर आप इस कंपाउंड की शेप किसी तरीके से चेंज करवा दो, ये जो ऊपर वाला है, तो ये आपके पास एक लंबी चेन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड यील्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, यही जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपके पास एक तो अमोनियम बायसल्फेट बना देता है, ठीक है, अमोनियम बायसल्फेट, और साथ में सी एच थ्री
सी जिसके नीचे एक एच लगा हुआ है, ऊपर उसके ओ एच लगा रहता है, और इस सी के साथ जहां पे सी एन लगा हुआ था ना, ये वाला एन जो है इसने तो आगे जाके ना ये एन एच फोर एच एस ओ फोर बना दिया, ठीक है। ये जो कार्बन था इसके साथ डबल बॉन्ड ओ एच, ये यूं सी डबल ओ एच बना देता। और ये जो भी स्ट्रक्चर आपके पास बना है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवरऑल रिएक्शन है, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअली आप जहन में बिठा लो कि हो क्या रहा है। कि आपके पास एक साइनोहाइड्रिन था, कोई भी आप साइनोहाइड्रिन लो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास ये जो नाइट्रोजन पार्ट है ऑफ द साइनो ये सेपरेट हो जाता है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स अमोनियम बाइसल्फेट। फर्दर जो आपके नाइट्रोजन सेपरेट होता है वहां पे आपके पास कुछ सी डबल ओ एच का स्ट्रक्चर यूं करके बन जाता है, ठीक है। एंड नाउ द स्ट्रक्चर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप अगर इनिशियल उससे स्टार्ट करो तो ये थोड़ा सा बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इसमें तीन कार्बन होंगे, ठीक है, तीन कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये शायद पहले नहीं की, कि एक तो सी डबल ओ एच वाला एक सी होता है ना, इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन जो इसके अलावा होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बाद जो दूसरा कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, देन द थर्ड वन इज कॉल्ड द गामा कार्बन, ठीक है, और एंड सो ऑन, एंड देन वी हैव द डेल्टा कार्बन। सो चूंकि सी के ऊपर ये जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो ये जो भी कंपाउंड बना है हम इसको नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। एंड ये एक जनरल फॉर्मूला है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनाने का, ये मैकेनिज्म ये ऊपर जो आपने पढ़ा है कि आप सबसे पहले साइनोहाइड्रिन बनाओ। साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, किसी एल्डिहाइड से कीटोन से बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन से कैसे बनेगा वो आप चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हो। सो ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास मेथेन है और मेथेन का आप रिएक्शन करवा दो विद ऑक्सीजन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवा दो, तो आपको पता है कि आप मेथाइल अल्कोहल बना सकते हो। देन यू ऑल्सो नो कि अगर आपके पास मेथाइल अल्कोहल हो, ठीक है, तो आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो अगेन विद ऑक्सीजन एंड यू फॉर्म मेथनल, ठीक है, जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एंड नाउ फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप क्या, ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में आपने ये रिएक्शन पढ़ा था इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, अगर आप इस फॉर्मेल्डिहाइड को लो और इस फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये जो भी रिसेंटली आपने रिएक्शन पढ़ा है आप इसका एचसीएन के साथ रिएक्शन करवा दो, तो आपके पास एक साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा बनेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेल्डिहाइड, आपको पता है कि बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चर है, और इसमें अगर आप HCN डाल देते हो तो बहुत ही सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, C के एक तरफ CN और ऊपर OH आप लगा दें और दोनों तरफ H, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। इस फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के साथ फिर आप क्या करो, ये अब आपको विजिबल है सारा, इस फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के अंदर आप H2O और H2SO4 अगर आप डाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये जो नाइट्रोजन पार्ट है ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास अमोनियम सल्फ बाइसल्फेट बना देगा HSO4, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास क्या होगा कि यही जो स्ट्रक्चर है कुछ रीशेप हो जाएगा, ये सी सी डबल ओ एच की शेप इख्तियार कर लेगा, ओवरऑल आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा सी डबल ओ एच, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी वी स्टार्टेड फ्रॉम मैथेन, हमने मैथेन लिया, उसकी कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब, जो कि आपने चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा था कैसे करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके बाद आपने मेथिल अल्कोहल बना दिया। मेथिल अल्कोहल आपने लिया और आपने उसको मजीद ऑक्सीडाइज किया, जिस तरह डी हाइड्रेशन डी हाइड्रोक्सीलेशन की उसने आपने, हाँ सॉरी नॉट डी हाइड्रोक्सीलेशन, आपने डिहाइड्रोजिनेशन की उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये आपने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, यू कैन आइदर यूज सिल्वर बट इट इज एक्सपेंसिव या प्लेटिनम, तो आप इसकी प्रेजेंस में मेथेनल बना लिया आपने, मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड का आपने एचसीएन के साथ रिएक्शन करा के साइनोहाइड्रिन जनरेट करवाया जो कि इस शेप का था, और उस साइनोहाइड्रिन को आपने जब इसके अंदर से पास करवाया एचसीएल सॉरी
सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के अंदर से हाइड्रोलिसिस करवाया आपने, तो आपके पास एक अमोनियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट HSO4 को बोलते हैं, एंड साथ में आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जो कि अल्फा हाइड्रोक्सी इन नेचर है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर पेपर के अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आ जाता है कि आपने प्रिपेयर कराना है, तो यू शुड बी वेरी वेल फेमिलियर विद इट कि ये हमेशा एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बना के ही बनाया जाता है। दिस इज इट फॉर दिस रिएक्शन। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स देखेंगे कि ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ, और वो कैसे आगे फिर एसिड्स की फॉर्म इख्तियार करते हैं।